दोस्तों नमस्कार ऑनलाइन गुरुकुलम में आपका स्वागत है दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इसने अपना नवीनतम सिलेबस लेके आया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसने जो टॉपिक जोड़े हैं वह हैं स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके बारे में हम देखेंगे पोषण आहार और पोषक तत्व खाद्य प्रसंस्करण और कृषि विकास तकनीक के बारे में इसमें हम देखेंगे यह सात आठ लेक्चर की सीरीज रहेगी जिसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इसके पहले मैं आपको बता दूं हमने इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हमने रोबोटिक्स देख लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लिए हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमने देख लिए हैं इसमें इंटरनेट के बारे में हम देख लिए हैं ई कॉमर्स और ई e गवर्नेंस के मैं ऑलरेडी वीडियो बना के इसमें डाल दिया है एक वीडियो और इसका आना है जो कि जल्द ही आ जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर आज इसमें देखेंगे स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप एम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एम पी पी एस सी एक नंबर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जो कि परीक्षा ऐप के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही है यदि आपके पास परीक्षा ऐप है तो आप एम पी पी एस सी टेस्ट में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है परीक्षा ऐप की वहाँ से इंस्टॉल करें और आप डेमो देकर देखें और फिर इसको ज्वाइन करें यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें एम बी फोर्टी कोड का यूज़ ज़रूर करें ताकि आपको फोर्टी परसेंट इसमें ऑफ मिल जाए तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ लेक्चर की तरफ पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी तो आपसे यदि पहली स्वास्थ्य नीति के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्या जवाब देना इसका वर्ष उन्नीस में उस समय में प्रधानमंत्री कौन थी इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी अभी तक भारत में तीन स्वास्थ्य नीति लाई गई हैं राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्वास्थ्य नीति लाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा तो पहली वर्ष उन्नीस में लाई गई थी दूसरी 2002 में लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और तीसरी नरेंद्र मोदी जी के समय में वर्ष दो में याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों कहीं से भी प्रश्न बन सकते यदि आपसे पहली पूछे तो वर्ष उन्नीस में लाई गई थी और नवीनतम यदि आपसे पूछ ले तो वर्ष दो में यदि आपको नवीनतम की डेट पूछे तो 15 मार्च 2017 को इसको लाया गया था हम जो नवीनतम स्वास्थ्य नीति है इसके बारे में में एक अलग से वीडियो बना के इसमें इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या नीति दिया गया है और इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं प्रश्न है, है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रमुख उद्देश्य है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर पोलियो उन्मूलन बिल्कुल है एड्स की वृद्धि एड्स की वृद्धि को शून्य में लाना ठीक है इसमें जो है एड्स की वृद्धि को शून्य पे लाना यह भी इसका उद्देश्य है टी मलेरिया संक्रमण रोगों की दरों में जो है पचास परसेंट इसमें कमी करना यह भी है तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल सही रहेगा इनमें से सभी ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हैं आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना किसके द्वारा चलाई जा रही दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा यह योजना चलाई जा रही है किसके द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है अगला प्रश्न है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य थे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रजनन दर 2025 तक 2.5 कमी करना बिल्कुल यह सही है ठीक है यह इसका उद्देश्य है कालाजार जो एक बीमारी है इसका उन्मूलन करना वर्ष 2018 तक इसका यह लक्ष्य रखा गया था बिल्कुल सही है शिशु मृत्यु दर 2025 तक 23 के स्तर पर लाना ठीक है हजार में प्रति हज़ार में तेईस के स्तर इस पर इसको लाना कब तक लाना 2025 तक के लाना यह भी इसका जो है सही है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा डी ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर तीनों ऑप्शन जो है इसमें ऊपर जो दिए हैं वो सही हैं तो सभी प्रश्न इसके जो दिए गए हैं उद्देश्य वो सभी उद्देश्य इसके करेक्ट हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सबला योजना कब लाई गई थी यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है सबला योजना यह योजना कब लेकर आई गई थी दोस्तों वर्ष 2010 में इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था अगला प्रश्न है विशेष पोषण कार्यक्रम कब का प्रारंभ किया गया था तो विशेष पोषण कार्यक्रम कब का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष में कितने टीका लगाया जाता है ठीक है तो मिशन इंद्रधनुष में कितने प्रकार के टीका लगाया जाता है तो इसमें सात प्रकार के टीका लगाए जाते हैं दोस्तों याद रखें आप इसमें कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं सात प्रकार के इसमें टीके लगाए जाते हैं लेकिन यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में इंद्र जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें कितने प्रकार के टीके को शामिल कर लिया गया है तो बारह तरह के इसमें जो है टीके को अब शामिल कर लिया गया है तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यान्ह भोजन योजना ठीक है मिड डे मील स्कीम कब लाई गई थी तो मिड डे मील स्कीम दोस्तों कब लेकर आई गई थी वर्ष उन्नीस में कब लेकर आया गया था दोस्तों इसको वर्ष उन्नीस में इस योजना को लेकर आई गई थी यह भी स्वास्थ्य से संबंधित है ताकि कुपोषण में गाँव में या फिर जो है शहरों में कुपोषण को, को कम किया जा सके अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न है इनमें से कौन सा कार्यक्रम निरोधात्मक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है तो कौन सा कार्यक्रम है जो कि निरोधात्मक और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है तो इसका क्या आंसर रहेगा सभी कार्यक्रम इसमें जो दिए गए हैं इसमें कौन कौन से कार्यक्रम दिए गए हैं विशेष पोषण आहार यह भी एक निरोधात्मक और स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है किशोर शक्ति योजना यह भी एक जो है दोनों कार्यक्रम है इसके अलावा समन्वित बाल विकास जो है सेवा यह भी तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है शिशु उत्तर जीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ शिशु उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों इसकी जो है इसकी शुरुआत वर्ष उन्नीस सौ इक्यानबे में नाइनटीन नाइन्टी वन में इसकी जो है शुरुआत की गई थी कब की गई थी उन्नीस में इसकी शुरुआत की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना कब लाई गई थी यह तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आप हर जगह पढ़ते हैं तो वर्ष 2005 में कब लाया गया था वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना जो है लेकर आई गई थी नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं किशोरी शक्ति योजना ऊपर आपने देखा था किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी तो किशोरी शक्ति योजना दोस्तों वर्ष यह भी 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी कब की गई थी 2005 में आप देखेंगे कि यहाँ से आठ से दस क्वेश्चन पूछने की संभावना है इन तीन चार टॉपिकों से मैंने जो कि आपको पहले बताया था इसको आप बिल्कुल नया सिलेबस में इसने जोड़ा है तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और लगभग आठ से दस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है कौन कौन से मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से देख लें सबसे पहला कौन सा है स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछेगा चूंकि हम दो में एक ग्लोबल पेंडेमिक से भी गुजर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा से भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अलावा जो नया जोड़ा है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन बनेगा और आप देखेंगे कि कृषि उत्पाद तकनीक जो इसने सिलेबस में जोड़ा गया है कृषि उत्पाद तकनीक से क्वेश्चन देंगे इसके अलावा पर्यावरण और जैव विविधता से तो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन आते ही हैं लेकिन जो तीन चार टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कृषि उत्पाद तकनीक खाद्य प्रसंस्करण स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम इनको आप अच्छे से देखें और हम तो जितना होगा हम आपके लिए उतना मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर देता हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या गुरुकुलम इंदौर के नाम से आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है, है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब प्रारंभ हुई थी तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों इसको तो इसको वर्ष दो पंद्रह में शुरुआत की गई थी कब की गई थी 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी आपने देखा होगा आपके शहर कस्बे में भी यह केंद्र होंगे जहाँ पर जेनेरिक दवाई मिलती हैं बहुत सस्ती दवाई यहाँ पर मिलती हैं मार्केट से लगभग 40-50% परसेंट से भी कम रेट पर इस इन केंद्रों पर दवाई मिलती हैं आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ तो अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आप एक चीज ध्यान रखें योजनाओं के बारे में खासकर क्योंकि एम दो तीन ए, इस तरह की योजनाओं के बारे में हमेशा पूछता है कोई भी योजना के बारे में पूछा तो आप उनमें थोड़ी गलती कम करेंगे थोड़ी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ देखिए बीजेपी की सरकार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रही है ठीक है 2004 तक बीजेपी की सरकार रही थी 1999 से 2004 तक बीजेपी की सरकार रही थी इसके अलावा 2014 से ले आज 2021 चल रहा है यहाँ तक बीजेपी की सरकार रही है इसको आप याद रखें इसके अलावा कांग्रेस या फिर हम बोलेंगे यूपीए की सरकार रही है तो यहाँ पर जो योजनाएं स्टार्ट होती हैं जो भी योजनाएं यदि आप देखें यदि बीजेपी स्टार्ट कर रही है तो उनको देखें या तो वो दिसंबर में स्टार्ट करेगी पच्चीस दिसंबर को या पच्चीस सितंबर को अधिकतर योजना की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है यहाँ पर या, ए, इसकी शुरुआत करेगी तो आप समझ जाइए कि यह बीजेपी की समय में यह योजनाएं जो है शुरुआत की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है आशा कार्यकर्ता योजना कब प्रारंभ हुई थी तो आशा कार्यकर्ता योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों वर्ष तो 2005 में भी यह योजना शुरुआत की गई थी आशा का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है आपसे तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म रहेगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है आशा कार्यकर्ता किस योजना से संबंधित है तो आशा कार्यकर्ता किस योजना से संबंधित हैं तो यह मेनली जो है यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना से संबंधित हैं जो कि महिलाओं के लिए ही यह कार्यकर्ता समर्पित रहती हैं आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है आशा कार्यकर्ता के मुख्य कार्य क्या हैं तो आशा कार्यकर्ता के मुख्य कार्य यदि आपसे पूछ ली तो क्या है दोस्तों यहाँ पर आप देखें सभी जो कार्य दिए गए हैं यह सभी हैं मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा देखभाल कराना परामर्श देना या फिर ए एन एम के साथ में तालमेल स्थापित करना यह जो है आशा कार्यकर्ताओं के कार्य होते हैं अगला प्रश्न है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था तो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी यह प्रश्न यदि आपसे पूछ ले तो इसका आंसर क्या रहेगा 28 जुलाई 2018 को कब किया गया था 28 जुलाई 2018 को इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था तो वर्ष दो में ठीक है कब किया गया था वर्ष दो में इसको प्रारंभ किया गया था प्रश्न है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लाई गई थी तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लेकर आई गई थी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है मैं आपको बता दूँ वर्ष 2004 में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा में लाई गई थी इस तरह की योजना हमें इसीलिए बोल रहा था कई बार क्या होता कन्फ्यूजन हो जाता है जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना दिया गया है और यहाँ पर यदि सन आपको दो यदि पाँच छः सात दे दिया तो आप समझ जाएँ या उसके पहले के दे दिए जो कि आप बोलें दिग्विजय सिंह तो के समय में तो दिग्विजय सिंह के समय में तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कोई योजना स्टार्ट नहीं होगी इसलिए मैंने आपसे बोला था कई बार इस तरह से प्रश्न सही हो जाते हैं आप सही एग्जाम में कर देते हैं लॉजिक लगा के आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है इनमें से कौन सा कार्यक्रम निरोधात्मक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है तो यह सभी कार्यक्रम जो हैं इसमें शामिल हैं किशोर सार्स किशोर शक्ति योजना विशेष पोषण आहार और समन्वित बाल विकास योजना इसमें शामिल किए गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देख लेते हैं शिशु उत्तर जीविता तथा तो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था शिशु उत्तर जीविता एवं मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था तो हमने इसको ऊपर भी देख लिया था वर्ष उन्नीस में इसको प्रारंभ किया गया था प्रश्न है काली खांसी किस जीवाणु से फैलती है तो काली खांसी किस जीवाणु से फैलती है से किससे दोस्तों पर्ट्यू से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आगे हम देखें प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब इसकी शुरुआत की गई थी तो वर्ष 2012 में कब किया गया था दोस्तों वर्ष 2012 में इस योजना की शुरुआत की गई थी नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब प्रारंभ किया गया था यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी तो इसका आंसर रहेगा दो मई दो को कब किया गया था दो मई दो को इसकी शुरुआत की गई थी आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब प्रारंभ किया गया था तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 2016 में यह अभियान भी शुरू किया गया था कब किया गया था वर्ष 2016 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी प्रश्न है आसमान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आसमान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना क्या है नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना आसमान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो यह आसान है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मेंस में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य नीति के बारे में बहुत कुछ उनने पढ़ लिया पूरा एक टॉपिक दिया गया है तो ऑलरेडी इसको पढ़ लिए हैं लेकिन जो अभी मेंस नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत जो टेढ़ी खीर हो जानी क्योंकि यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनने हैं आठ से दस क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं प्रश्न है, है दस्तक अभियान कब प्रारंभ किया गया था तो दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई थी कब की गई थी दोस्तों दस्तक अभियान की शुरुआत तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में कब की गई थी वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रश्न है स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित अभियान कौन सा है तो स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित अभियान कौन सा है तो यह अभियान का नाम है माँ अभियान क्या है दोस्तों इस अभियान का नाम क्या है माँ अभियान के नाम से हम इसको जानते हैं तो जो मां अभियान है इसको मदर एफसल्यूट अफेक्शन बोलते हैं ठीक है क्या बोलते, है? हम इसको बोलते हैं मदर एफेक्शन पांच अगस्त दो हजार सोलह को इस अभियान की शुरुआत की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न है कायाकल्प अभियान प्रारंभ हुआ था तो कायाकल्प के नाम से अभियान प्रारंभ किया गया था इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 2015-16 के वित्तीय वर्ष में कब की गई थी 2015-16 के वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्रश्न है प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष उन्नीस में कब किया गया था उन्नीस में इसकी शुरुआत की गई थी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब का प्रारंभ हुआ था एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब का प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी कब की गई थी वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रश्न है तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है तो स्वसन तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है काली खांसी जो होता है यह तंत्र को प्रभावित करता है प्रश्न है जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का कार्य है तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का क्या कार्य है दोस्तों तो इसका कार्य है पहला ऑप्शन हम देखते हैं प्राथमिक उपचार यह है गांव के लिए एक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य रक्षा के हेतु तो प्रशिक्षित करना यह भी है महिलाओं को कार्यकर्ता की प्राथमिकता देना यही भी है तो डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है ठीक है प्राथमिक उपचार भी करना गांव के एक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में प्रशिक्षित करना और इन गांव के जो व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा उसमें महिलाओं को प्रेफरेंस देना इसका काम है आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब प्रारंभ हुई थी तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई थी तो इसका आंसर रहेगा वर्ष उन्नीस में कब प्रारंभ की गई थी वर्ष उन्नीस में इसकी शुरुआत की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कब का प्रारंभ हुआ था तो बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कब इसकी शुरुआत की गई दोस्तों तो इसकी शुरुआत की गई थी चौबीस जनवरी दो को कब की गई थी चौबीस जनवरी दो को इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग किससे फैलता है Osionfish. तो डिप्थीरिया जो रोग होता है यह किससे फैलता है दोस्तों यह प्रोटोजोआ से फैलता है किससे बोलता है प्रोटोजोआ से यह फैलता है आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार है तो डिप्थीरिया नामक जो बीमारी है इसके लिए जिम्मेदार कौन सा प्रोटोजोआ होता है तो इसके लिए होता है कॉरीने बैक्टीरियम डिप्थीरिया कौन है कॉरीने बैक्टीरियम डिप्थीरिया डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इनको आप बिल्कुल रट लीजिए लूसेंट में भी ये दिए गए होंगे आप बायो वाले सेक्शन में जा देख सकते हैं इनको तो वहाँ से भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूरे को पूरी की पूरी तरह से जो है अच्छे से रट लीजिए बाकी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य नीति है इनके बारे में तो मैं आपको पाँच छः वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा बस आप लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके उसका घंटी का निशान जो होता है उसको हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है काली खांसी से तो काली खांसी रोग का बाहक है तो काली खांसी जो रोग है इसका बाहक कौन होता है दोस्तों तो इसका बाहक होता है बैक्टीरिया क्या होता है बैक्टीरिया ठीक है जीवाणु इसका जो है बाहक होता है आगे हम प्रश्न देखते हैं प्रश्न है हैजा किस जीवाणु से फैलता है तो हैजा किस जीवाणु से फैलता है दोस्तों तो इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा बिब्रियो कोलेरी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न है किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी तो किशोरी शक्ति योजना इसकी इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों तो इसका आंसर रहेगा दो हजार सात आठ में है यहां पर आप देखें थोड़ा सा मिस वर्ष है। है दो हजार सात आठ में, में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी अगला प्रश्न है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना ठीक है तो राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब लाई गई थी तो यह योजना दोस्तों कब लेके आई गई थी इंपॉर्टेंट योजना है आप इसको देखें ठीक है तो कब लाई गई थी बीस 20 नवंबर दो हजार दस को ठीक है अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं बीस नवंबर को राजीव गांधी का जन्मदिवस भी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना कब लाई गई थी तो अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों तो यह 2000 में वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में कितने रुपए तक निशुल्क जांच की जाती है यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो है कितने रुपए तक निशुल्क जांच की जाती है तो बीस हजार रुपए तक की निशुल्क जांच की जाती है मैं आपको बता दूं जो भारत सरकार की भी इसी तरह की योजना है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था वह कौन सी योजना है दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताइए और उस योजना में कितने लाख रुपए तक का जो है निशुल्क एक परिवार को एक साल में दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट की है बहुत अच्छी योजना और बहुत बड़ी योजना है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न यह प्रश्न हमने देख लिए हैं स्वास्थ्य नीति के बारे में हमने देख लिया है ठीक है नई स्वास्थ्य नीति आपसे यहां पर पूछ लिया है ठीक है देखो नई स्वास्थ्य नीति कब लाई गई तो वर्ष 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लाई गई है और 15 मार्च को लाई गई कब लाई गई है 15 मार्च 2017 को नई स्वास्थ्य नीति जो है लाई गई है आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया है दोस्तों तो वर्ष 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था एन के नाम से हम इसको जानते हैं अगला प्रश्न है इसी तरह से जिस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसी तरह से शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी है लेकिन इसकी शुरुआत दो तेरह में की गई कब की गई दोस्तों वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पर प्रश्न है इंद्रधनुष मिशन का उद्देश्य क्या है हमने ऊपर ही बता दिया आपको कि इंद्रधनुष जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है मिशन इंद्रधनुष का टीकाकरण ठीक है क्या है टीकाकरण और इसके तहत प्रारंभ में सात जो है बीमारियों के लिए इसमें टीकाकरण किया जाता था कितनी बीमारियों के लिए सात बीमारियों के लिए इसमें टीकाकरण जो है किया जाता था लेकिन अब इसको भारत सरकार ने इसको सात की जगह में अब कितनी बीमारी इसमें कर दी है तो इसमें अब जो है बारह तरह की बीमारियां इसमें शामिल है भारत सरकार ने इसमें कर लिया है तो दोस्तों यह था वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम आपको और अच्छे से आगे बता सकें लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तो इस वीडियो में बस इतना ही आगे भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर गुरुकुलम इंदौर या ऑनलाइन गुरुकुलम के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत